आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग असल में हमारे डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और स्पेशली हम इसका इस्तेमाल करते हैं सामने वाले से कन्फर्मेशन के लिए, यानी कि वी वॉन्ट टू गेट श्योर। हम श्योर होना चाहते हैं कि सामने वाला बंदा उस बारे में जिसमें हमारी बात हो रही है क्या उसकी राय है, क्या वो चाहता है। तो हम जहां श्योरिटी चाहते हैं, कन्फर्मेशन लेना चाहते हैं, ऐसी दशा में हमें सिर्फ एक ही टर्म का इस्तेमाल करना है और वो है क्वेश्चन टैग। तो चलिए मैं फटाफट एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्वेश्चन टैग है क्या। एक एग्जांपल देखते हैं। तुमने तो नाश्ता कर लिया है, यानी कि आई वॉन्ट टू गेट श्योर वेदर ही और शी हैज टेकन ब्रेकफास्ट नॉट। मैं जानना चाहता हूं कि जिससे मेरी बात हो रही है उसने नाश्ता किया है या नहीं किया है। आई वॉन्ट टू गेट श्योर। तो आपने क्या बोला? तुमने तो नाश्ता कर लिया है। तो कर लिया है का मतलब कि क्या किया है या नहीं किया है, यह जानने की जरूरत होगी। तो ऐसी दशा में हम जिस रूल का इस्तेमाल करेंगे, जिस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, उसे हम बेहद ही आसान आपके लिए बनाते हैं। आप बोर्ड पे हेडिंग हमने दे रखी है क्वेश्चन टैग। तो इसको बनाने के लिए सबसे आसान सा फॉर्मूला क्या है कि नॉर्मली आपको क्या करना होगा, जिस सेंटेंस को ट्रांसलेट करनी है वो चाहे जिस टेंस का हो, अकॉर्डिंगली द सेम यू हैव टू ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश। उसके बाद आपको कॉमा लगानी है और फिर उसी सेंटेंस को चेक करें कि कौन से टेंस का है, उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, फिर उसके साथ नॉट लगाएंगे और फिर उसके बाद उसी का प्रोनाउन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो स्पेशली मैं पहले एग्जांपल को बता दूं आपको ढंग से। तुमने तो नाश्ता कर लिया है, चेक करिए कि अफर्मेटिव तरीके से सेंटेंस है आपका। तो जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, अच्छा ये भी ध्यान देने की चीज है कि क्वेश्चन टैग दो तरह के होंगे, अफर्मेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। यानी कि जिस दशा में सेंटेंस अफर्मेटिव जैसा होगा तो क्वेश्चन टैग वाले में नॉट आपको लगाना पड़ेगा, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग वाले से नॉट हटाना पड़ेगा। तो आप एग्जांपल देख लीजिए, मैंने दिया था तुमने तो नाश्ता कर लिया है, तो कर लिया है यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, और जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का होगा तो ट्रांसलेशन भी उसी के रूल से बनना है। तो आप ध्यान दें, यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आपने क्या लिखा, यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट। अब इसके बाद हमारा एक सेंटेंस पूरा हुआ, अब हमें क्वेश्चन टैग जोड़ना था। तो क्वेश्चन टैग कहते हैं कि उसी सेंटेंस में कोई ना कोई क्वेश्चन दे दी जाए। तो आपने क्या कहा, तुमने तो नाश्ता कर लिया है, यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट, हैव नॉट यू, क्या लगाएंगे, हैव नॉट यू। अब हैव नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं तो हैवंट। तो आपने क्या बोला, यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट, हैवंट यू। तो चलिए फटाफट सबसे पहले मैं रूल को बता देता हूं। दो रूल हैं आपके, एक अफर्मेटिव जैसा, एक नेगेटिव जैसा, दोनों सीखें और फिर हम कुछ एग्जांपल देते हैं जिससे आप खुद ही प्रैक्टिस करिए और अपने डे टू डे लाइफ में खूब इसका जम के इस्तेमाल करिए। तो अगर आपका सेंटेंस ऐसा है, तुम तो मुझे जानते हो, तो आपने बनाना है यू नो मी, डोंट यू। दो रूल होते हैं, एक अफर्मेटिव जैसा, एक नेगेटिव जैसा। तो दोनों रूल आप ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको बनानी है सेंटेंस उस टेंस में जिसमें होगा। फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो आपने लिखना था सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट आपने बता दी। उसके बाद से कॉमा लगाया, फिर आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज लगाते हैं, डज निकाला, फिर नॉट, और फिर आपने क्या करी, वो सिंगुलर प्रोनाउन लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक तो ये फॉर्मूला हुआ, और दूसरा है कि अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव जैसा होता है तो आपने क्या करना है, सेम प्रेजेंट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट लगाना होगा, फिर कॉमा लगा देंगे और फिर सेम टेंस का प्लूरल आपने क्या करी, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दिया। तो आपने क्या करा, डू बाहर निकाला, फिर उसके साथ नॉट लगाया, और नॉट लगाने के बाद से आपने क्या करी, उसका प्लूरल प्रोनाउन अर्थात सब्जेक्ट के रूप में लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो दरअसल आपका रूल मैंने समझा दिया है, अफर्मेटिव जैसा होगा तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग वाले में नॉट लगाएंगे, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा
तो क्वेश्चन टैग वाले में नॉट हटा लेंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। वह दूध पीती है, नहीं पीती है क्या, तो आपने ट्रांसलेट करना है शी ड्रिंक्स मिल्क डज नॉट शी, शी ड्रिंक्स मिल्क डज नॉट शी। और इन केस यही नेगेटिव में होता, वो दूध तो नहीं पीती है, पीती है क्या, तो आपने ऐसे ट्रांसलेट करना है शी डज नॉट ड्रिंक मिल्क डज शी, शी डज नॉट ड्रिंक मिल्क डज शी। इस तरीके से आपके सेंटेंसेस बनेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रूल समझ में आया होगा, जिस हिसाब से आपके सेंटेंसेस होंगे उस टेंस के अकॉर्डिंग आप उसे ट्रांसलेट करिए, उसके बाद कॉमा लगा करके उसी सेम टेंस का हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे। अगर आपकी पहले वाला सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो आप बाद वाले में नॉट लगाएंगे, और फिर उसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके अकॉर्डिंगली आप उसका प्रोनाउन लगा देंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को पूरा करेंगे। सो थैंक यू।